नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का फ़ोन है, जहाँ पर और नॉच की डिस्प्ले है। तो आप देख सकते हो इसमें नोटिफिकेशन लाइट कैसे लगाते हैं। आपके पास कैसी भी डिस्प्ले हो, यू डिस्प्ले हो सॉरी यू नॉच की हो या ओ नॉच की हो, साइड ओ नॉच की हो, कैसी भी डिस्प्ले हो, उसमें नोटिफिकेशन लाइट इस प्रकार से कैसे लगा सकते हैं मैं आपको बताऊँगा आज। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में सर्च करना है ए ओ ई सर्च करना है। आपको जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे सब में ऑलवेज ऑन एज मिलेगा। तो आपको इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है और सीधे ओपन कर लेना है। तो देखिए मैं ओपन कर लेता हूँ, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। ओपन करने के बाद आप इसमें सबसे पहले मेन सेटिंग में जाना है। मेन सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने जहाँ इन सबको अलाउ कर देना है, मतलब टिक लगा देना है सब पे। तो देख लीजिए कैसे लगाना है, इन सब पे टिक लगा देना है। तो देख लीजिए मैंने जहाँ मैंने जैसे जैसे सेटिंग कर रखी है आप भी वैसे वैसे सेटिंग कर लीजिए। सभी पे टिक लगा देना है और सिंपली आपको सेव कर देना है। देख लीजिए जैसे जैसे सेटिंग हो रही है वैसे वैसे कर सकते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आप इसको सेट नहीं कर पाएंगे। तो सभी पे सेट टिक लगा देना है, चेकआउट मतलब कि टिक लगा देना है और सिंपली सेव कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर सेव करके बता देता हूँ। तो सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेव हो गया है। और फिर आपको सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद में आप यहाँ पे लाइटिंग सेटिंग में जाना है। लाइटिंग सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने जैसे जैसे आप सेटिंग कर रखी है आप भी वैसे वैसे सेटिंग कर सकते हो। वैसे डिवाइस स्क्रीन कॉर्नर्स, तो आप यहाँ पर एज को, इसकी थिकनेस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे मैं बढ़ाता हूँ देखो कैसे जाती है, लेकिन थिकनेस कम ही अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं अराउंड नोच ओनली का मैंने कर रखा है। और भी आप देख सकते हो कैसे कैसे क्या क्या है। यहाँ पर चारों तरफ और लाइटिंग आ जाती है और इसमें राइट लेफ्ट साइड आ जाती है, ऊपर नीचे के लिए भी आ जाती है और सिर्फ नॉच के लिए आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ नॉच के लिए करी है। तो और सेटिंग यहाँ पर देख लेते हैं, एज स्टाइल यहाँ पर देख लो एज स्टाइल किस प्रकार से है। एज स्टाइल में आप यहाँ पर फिल्टर करेंगे तो देखिए कि नोटिफिकेशन लाइट की जो स्टाइल वो चेंज हो जाती है। देख लीजिए आप यहाँ पर एक ही कलर का आ गया है शाइन मारते हुए, और यहाँ पर देख लीजिए स्टाइल चेंज हो जाती है यहाँ पर। और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, नीचे देख लीजिए, एक भी ऑप्शन को मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर आप रेनबो की स्टाइल भी सेव कर सकते हैं, जैसे देखो कई कलर आ जाते हैं। और कलर स्पेक्ट्रम में एक कलर भी आप में लगा सकते हैं, टू कलर भी आप लगा सकते हैं और थ्री कलर भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो मैं थ्री कलर का सेट कर देता हूँ। तीन कलर आपको जो जो लगाने हैं वो आप सेट कर सकते हैं। तो आप और देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी सारी मतलब कि लाइटिंग इफ़ेक्ट भी है। नॉर्मल यहाँ पर कर रखा है, ग्लो भी आप कर सकते हो। तो देखिए ग्लो करने पर कैसा दिखता है, डैशड भी आप कर सकते हो, डॉट 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 में आ जाता है। तो मैं नॉर्मल कर देता हूँ और सिंपली एज स्पीड को आप बढ़ा भी घटा भी सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने जैसे जैसे सेटिंग कर रखी है आप भी वैसे वैसे ही सेटिंग कर दीजिए और सेव और क्लिक कर दीजिए। या सेव के लिए आप इसको प्रीमियम खरीद भी सकते हैं और एक ऐड देख के भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ऐड देख के अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे एक सिंपली एक ऐप ऐड आ गया है 9-10 सेकंड का। तो इसको कंप्लीट होने के बाद इसको कट कर देंगे अपन और ये अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये कट कर देता हूँ मैं यहाँ से। कट करने के बाद सिंपली बैक जाना है, देख लीजिए सेटिंग सेव सक्सेसफुल लिखा आ गया है और यहाँ से आप सिंपली बैक चले जाएँगे। बैक जाने के बाद आप यहाँ पर ऐप सेटिंग में जाएंगे। ऐप सेटिंग में जाने के बाद आप देख लीजिए नोटिफिकेशन लाइट व्हेन ए नोटिफाइड इज रिसीव्ड, जब आपको रिसीव नोटिफिकेशन रिसीव हो तो भी ये चले, इस तरीके का ऑप्शन है। और भी है चार्जिंग लाइट, चार्ज में लगाओगे तो जलेगी तो नोटिफाई होगा। और म्यूजिक में म्यूजिक लाइटिंग है, लाइव वॉलपेपर पे है, कॉलिंग स्क्रीन पर है, हेडसेट लाइटिंग पर है और अदर ऑप्शन में देख लीजिए आप ऑटोमेटिक व्हेनेवर आई लॉक द स्क्रीन है, क्लॉक एंड विजिट ऑलवेज और डिस्प्ले। तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ऑटोमेटिक करने के बाद देख लीजिए काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन है, आप जिसको भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं।
तो सिंपली यहाँ पर ऑटोमेटिक करने के बाद मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद, वो भी काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसमें सिंपली सेव कर देता हूँ। सेव हो चुका है। अब यहाँ पर मैं स्क्रीन ऑफ करके दिखा देता हूँ लॉक लगा के। तो देखिए मैंने लॉक लगा दिया है और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन लाइट अपने और डिस्प्ले पर आ चुकी है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप भी इस प्रकार से आप इसको अपने फ़ोन पर, आपके चाहे यू नॉच हो, किसी प्रकार की नॉच हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए किस तरीके से ये अच्छी लगती है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।